नमस्कार, आपका स्वागत है। सूर्य को जल चढ़ाते समय भूलकर भी न करें यह गलती। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए, इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है, इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। यह बात कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाए एवं कब जल चढ़ाए, चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और न चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आप रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं फिर भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आप देख सके। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखे। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्धे का जल आपके पैरों में किसी भी हालत में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वह जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर अशुभ दृष्टि भी किसी की पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल न चढ़ाए। भूल से भी यह गलती न करें कि बिना स्नान किए सूर्य देव को जल न चढ़ाए। सूर्य देव को स्वच्छता पसंद है, ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं वह कार्य आपका सफल नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, ताम्र पत्र का उपयोग करें। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग न करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दे। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ जल न चढ़ाए। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखे। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल न पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे
और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाए। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाए या न चढ़ाए, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का सूर्य दोष से संबंधित कोई दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। सादा भोजन ले। यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन न करें, लाल रंग की सब्जी मसूर की दाल न खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी न पहने। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।